हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपना चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 जो था वो हम रीड कर रहे थे, तो आज हम जो है वो उसको कंटिन्यू जो है वो करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था कि कैसे ऑथर जो है उसका डॉग जो है वो मर जाता है, तो वो फिर जब लोनलीनेस से तंग आकर जो है वो फिर एक अटर को जो है वो टेम करना चाहता है। तो इसके लिए वो जो है फिर जो है बसरा में जाता है, जहाँ पर वो उसको एक जो है अटर जो है वो मिलता है। अब वो धीरे धीरे उसने उसके हैबिट्स, उसके लाइक्स डिसलाइक्स को जो है वो जानना शुरू किया। तो हमने लास्ट टाइम यहीं तक पढ़ा था, पेज नंबर 106 तक। तो अब थर्ड पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड, पेज नंबर 107। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Camasferna. तो अब जो है बड़े ही शांति से जो है बसरा में दिन बीत गए। तो अब मुझे जो था सबसे ज़्यादा, I dreaded the prospect, मतलब कि मुझे सबसे ज़्यादा जो डर था कि फ्यूचर में जो है मुझे अब मिज को अपने साथ इंग्लैंड में लेके जाना है और फिर इंग्लैंड से कैमिसफेरना तक लेके जाना है। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, कि जो लंदन की जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती है अपनी एयरलाइंस में। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, तो पेरिस तक के लिए मैंने फिर दूसरी एयरलाइन से अपनी टिकट बुक की, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से फिर लंदन के लिए बुक की। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिच शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। तो फिर मुझे एयरलाइन से जो गाइडलाइंस मिली कि यही था कि एक 18 इंचेस बॉक्स, जो स्क्वायर शेप का बॉक्स होगा, उसी में जो है मुझे मिज को पैक करना होगा और मुझे अपने वो पैरों के पास बॉक्स रखना होगा। आई हैड अ बॉक्स मेड, तो मैंने बॉक्स लिया फिर बनाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मिज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील। तो फिर मैंने जो है एक घंटा पहले ही जो है बॉक्स को मिज को डाल दिया, और फिर ताकि वो उसके लिए थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, उसको आदत पड़ जाए, और फिर मैं जल्दी से खाने के लिए चला गया। When I returned, there was an appealing spectacle. तो जब मैं आया वापस खाना खाकर, तो appealing spectacle means कि काफ़ी shocking scene था मेरे सामने। There was complete silence from the box, कि बॉक्स में से तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, but from its ear holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. लेकिन उसके जो छेद उसमें मैंने उस सांस वगैरह लेने के लिए उसमें किए हुए थे, तो वहाँ पर जो है मैं उसके ढक्कन में, उसके होल्स में जो है वो मैं देख रहा था कि वहाँ पर खून जो है वो टपक रहा है और सूख चुका है। I whipped up the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. तो फिर मैंने जल्दी से जो है वो अपना ताला हटाया और फिर ढक्कन फाड़ कर जो है मैंने वो डिब्बा खोला, और उस जिसमें जो है वो मिज बिल्कुल थका हुआ था और लथपथ था खून से, और धीरे से वो रोया और मेरी उसने लेग को जो है वो पकड़ लिया। He had torn the lining of the box of two shreds. And when I removed the last of it, so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. तो फिर उसके बाद फिर कहते मैंने धीरे धीरे जो है उसमें से जो उसकी कटिंग्स वाली पट्टी थी, इनकी जो भी कटे हुए थे टुकड़े वहाँ पर, वो मैंने सारे हटाए, और जब लास्ट पट्टी जो था मैं वो हटा रहा था, तभी मैंने ध्यान से इनकी देखा तो सिर्फ मेरी फ़्लाइट के लिए 10 मिनट जो थे वो बचे थे, और 5 मील दूर था मेरा जो एयरपोर्ट था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड एंड विद माय हैंड। तो फिर मैंने बेचारी, जैसी कंडीशन थी उस बेचारे की, मैंने मिज को बॉक्स में डाला और ढक्कन को जो है हाथ से पकड़ लिया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. तो फिर वापस मैं कार में फटाफट जो है वो जाके बैठा,
और फिर कार के पीछे जाके मैं बैठ गया और बॉक्स को जो है वो मैंने अपने साथ जो है वो रखा, और ड्राइवर जो था वो बसरा की गलियों में स्ट्रीट्स में से गोली की तरह आगे बढ़ता जा रहा था, और इनकी अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो खुद ही जो है अपनी जो स्टेक है इनकी साइड है वो लिए जा रहा है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, तो एयरक्राफ्ट जो थे वो एयरलाइंस जो थी वो इनकी बाय चांसली इनकी वेट ही कर रही थी उड़ने के लिए। आई वॉज रश थ्रू इट टू इट बाई इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, तो फिर क्योंकि अब मैं लेट था तो फिर फटाफट मैं भागता हुआ वहाँ पर पहुँचा, और जो भी ऑफिशियल्स थे ऑफिसर्स थे वहाँ पर एयरलाइंस के वो काफ़ी गुस्से में थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, तो बाई चांस ये कहते कि लकी था कि मैं कि जो सीट मेरे लिए बुक की हुई थी वो बिल्कुल आगे वाली फ्रंट सीट थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट एंड न्यूज़पेपर्स, रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस, तो फिर फटाफट जो है आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, तो मैंने जो है वो अपने आगे वाला जो फ्लोर था फर्श था एयरलाइंस का उसको मैंने जो है वो न्यूज़पेपर से कवर किया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और एयर होस्टेस को बुलाता हूँ और फिर उसको जो है एक पार्सल देता हूँ जिसमें फिश थी ताकि वो ठंडी जगह पर मेरे मिज के लिए रखते। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, तो फिर मैंने एयर होस्टेस को जो है पिछले आधे घंटे की जो भी मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट इन द सेंस कि जो भी मेरे साथ हैपनिंग्स हुई वो मैंने सारा उसे बताया। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और उस एयर होस्टेस की मैं जितनी भी जिनकी मैं एक तरह से प्रशंसा करूं बहुत ही कम थी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, कहते वो उसका दिल इतना बड़ा था इनकी रानियों जैसा था उसका दिल, मतलब कि बिल्कुल भी मेरे साथ रूड नहीं थी, बहुत ही अच्छे से मेरे साथ पेश आई। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपने घुटनों पर वो पेट जो है वो मैं रख सकता हूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और कहते कि मैं यानी कि एक तरह से दिल की गहराइयों से उसके हाथ को जो है वो किस करना चाहता था। सो बट नॉट नोइंग अटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड, लेकिन अटर्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं, उसने जो आगे किया करने वाला था फ्यूचर में वो तो मेरे लिए मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, वो कहते मिच जो था वो एकदम से बॉक्स में से निकल गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो जो है एकदम से बड़ी स्पीड में जो है उस जहाज में जो है वो हवाई जहाज के नीचे जाकर जो है पीछे जाकर एक तरह से छुप गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड स्क्रीक्स एंड अ वीमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट ऑरैट ऑरैट, तो ये चारों तरफ जो थे वो चीखे थी तीखे रोज जोर जोर से जो थे वो चिल्ला रहे थे। एक लेडी तो बोल रही थी कि चूहा चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिड्स टेल डिसअपीयरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन, तो फिर अचानक जो है वो मैंने मिज की जो पूंछ थी वो गायब होते हुए देखी, जहाँ पर एक सफ़ेद पगड़ी में जो है वो एक पोर्टली मतलब कि स्टाउट मतलब मोटा, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं मोटा ताजा इनकी आदमी जो था वाइट टर्बन में सफ़ेद पगड़ी में बैठा हुआ था। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, तो कहते कि डाइविंग फॉर इट मैंने उसको पकड़ने के लिए छलांग लगाई बट मैं मिस कर गया, बट फाउंड माई फेस कवर्ड विद करी, लेकिन क्या हुआ कि मेरा मुंह जो था वो चारों तरफ करी करी मतलब कि जैसे वो सब्जी की वो होती है ना ग्रेवी टाइप, उससे जो था वो कवर हो गया। परहैप्स सेट द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, तो फिर स्माइल करते हुए वो एयर होस्टेस कहती है कि आपको जो है ये अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, कहती मैं आपका एनिमल ढूंढती हूँ और आपके पास लेकर आती हूँ। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापस अपनी सीट पर आया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट वेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेलकम,
and Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. तो कहते मैं अपनी सीट पर जो है वो जाकर बैठ गया और मैं अपनी गर्दन जो था वो उठा रहा था इसी कोशिश में कि मैं अपने मिज को जो है इधर उधर ढूंढ सकूं, लेकिन अचानक ही मैंने अपने पैरों में जो है एक जानी पहचानी सी आवाज़ जो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस था, बहुत ही ज़्यादा उनकी दुखी आवाज़ थी वो, और मैं देखता हूँ कि मिज जो है वो मेरे पैरों के पास जो है नी के पास घुटनों के पास जो है वो उछल रहा है और मेरी गर्दन और मेरे चेहरे को नाक से धीरे धीरे वो रगड़ने लगा। तो सेकंड थर्ड पार्ट हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज अटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लाइट। तो इतनी इवेंटफुल जर्नी के बाद जो है मैक्सवेल और अपने अटर के साथ जो है वो लंदन पहुंचता है जिस जहां पर उसका अपना फ्लैट था। मिच एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। तो मुझे और मिज को रहते हुए लंदन में एक मंथ हो चुका था। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज पिंग पोंग बॉल्स मार्बल्स रबर फ्रूट एंड अ टैरपिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेज। तो फिर अब वो जो है कई घंटे जो है खेलने में लगाता सिर्फ अपने सिलेक्टेड टॉयज के साथ। तो सिलेक्टेड टॉयज कौन सी थी उसकी, पिंग पोंग बॉल थी, रबड़ के जैसे वो फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना वो थे, कछुए के खोल से जो इनकी बना हुआ था अलग अलग चीज़ें टैरपिन शेल से ना उसके साथ जो है वो चीज़ें बनी हुई थी जो कि मैं उसके नेटिव मार्शेज मतलब बसरा से जो था वो मैं लेकर आया था। विद अ पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एंग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। तो पिंग पोंग बॉल से तो उसने अपने आप ही एक अपनी जो गेम थी वो ढूंढ ली, उसे एक बार वो आधे घंटे में जो है बिजी रहता था तो उसमें बस वही इनकी अपने आप को वो एक हर तरह से जो है वो एंग्रॉस मतलब कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसके साथ खेलता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम सो दैट आई द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो कहते जो सूटकेस मैं इराक लेके गया था वो मेरी जर्नी में वापस आते हुए टूट गया था, उसका जो लिड था उसका मतलब ढक्कन था वो जब वो बंद होता तो वो हल्का सा स्लोप मतलब ऐसे टेढ़ा सा हो जाता। तो अब मिज को जो है एक नई गेम मिल गई उसमें। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो मिज ने देखा समझा कि जैसे ही वो जो हाई एंड पर जो है वो अपनी इसकी जो बॉल रखेगा तो वो नीचे जो है सूटकेस के दूसरी तरफ जो है वो रुड़क कर जो है वो आएगी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्ब्यूज इट्स अराइवल। तो वो जो है वो इनकी दूसरे जैसे ऊपर से वो बॉल रखता फटाफट भाग कर दूसरी तरफ जाता है नीचे के एंड पर, तो वहाँ पर जाकर जो है वो बड़ी ही बेसब्री से जो है वो अपनी पोजीशन लेता कि एम्ब्यूज इट्स अराइवल मतलब कि छुप के उस पर अटैक करने की कोशिश करता, हाइड फ्रॉम इट उससे छुपता, क्राउचिंग उसको क्राउच करता मतलब कि उसको झपेटता, एंड टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर। और फिर उस पर जो है वो टकराता, टकराने के बाद फिर उसे बैठ के फिर उसको फटाफट लेकर जाकर उसको दूसरे कोने पर फिर से उछालता, मतलब बार बार जो है वो स्लोप पर बॉल रखता, बॉल नीचे आती फिर उसको रखता और नीचे आती। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड। तो फिर घर के बाहर मैं जो है उसको कसरत के लिए एक्सरसाइज के लिए जो है वो लेकर जाता कि जैसे कि वो एक डॉग है, प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, कि जैसे वो एक डॉग है। मिज क्विकली डिवेल्प्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। तो फिर कहते हैं कि मैं उसको जब मिज जो है मेरे साथ जाने लगा कि वॉकिंग के लिए तो उसने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स मतलब कि
अब ऐसी हैबिट्स जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने करनी ही करनी है। तो ऐसी हैबिट्स जो है वो लंदन की गलियों में उसने जो है वो बना ली थी। तो कुछ एग्जांपल जैसे है, अगर जैसे आप बच्चों को देखें कि जब वो के स्कूल जाते हैं और आते हैं, या रास्ते में भी कहीं आते जाते हैं रेगुलर, तो अगर उनको बॉक्सेस मिल जाते हैं, इनकी टाइल्स लगी लग जाती हैं, तो वो उछलते कूदते एक टाइल से दूसरी टाइल में जंप करते हुए जाते थे ना, तो ऐसे ही कहते वो भी जो है वो एक बॉक्स से दूसरी बॉक्स में जो है वो जंप करता हुआ जाने की कोशिश करता था। तो उसी तरह मिज भी जो है मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। तो वो फिर जो है वो भी जो है हर जब पिलर्स रेलिंग के ऊपर जो थे वो लगे हुए थे, हर सेवन्थ पिलर को जो है वो टच करता, और अगर लैम्प पोस्ट आ जाते तो हर लैम्प पोस्ट के सेकेंड लैम्प पोस्ट को वो जंप करके क्रॉस करता। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल। तो मेरे सामने, घर के सामने एक सिंगल स्टोरी का प्राइमरी स्कूल था, अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 फीट हाई, और उसके सामने जो उसकी बाउंड्री वॉल थी कुछ 2 फीट की ऊंचाई पर थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जम्प ऑन इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स। तो फिर कहते कि जब वो वापस आता, जाते हुए नहीं बस घर वापस आते हुए, मिज जो है वो उस दीवार के ऊपर जो है वो चढ़ जाता, और फिर उस दीवार के ऊपर चढ़कर जो है जंप करता एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और 30 यार्ड की वो पूरी की पूरी लंबाई जो है उछलते हुए जाता, टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और जो उनके स्कूल के बच्चे थे और स्टाफ थे वो बड़े ही होपलेसनेस के साथ, मतलब कि बड़ी ही निराशा के साथ उसकी आंखों से, उन सभी की आंखों से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता, और इनकी वो फटाफट उनकी अटेंशन से दूर कहीं जाकर जो है वो छिपने की कोशिश करता था। सो इट इज़ नॉट आई सुपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लर्नर शुड नॉट रिकोगनाइज एंड अटर, बट द वेराइटी ऑफ गैसेज एज टू वट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। तो मैंने सोचा कि कोई भी ऐसी यानी कि हैरान करने वाली बातें जो है कभी नहीं सोची थी कि लंदन में रहने वाला जो आम आदमी है वो मेरे इस मिज को, इस यानी कि अटर को जो है वो ना पहचाने। लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो गैस लगा रहे थे इसके नेम के कि ये कौन सा जानवर हो सकता है। अटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइंस, शेयर्ड बाय द बैजर मोंगूज वीजल स्टार्ट मिंक एंड अदर्स। तो अटर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो, अगर उनकी कंपैरिजन किया जाए तो इनकी वो जो है एक छोटे से ग्रुप है उनके एनिमल्स का। अगर बायो वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा ना, तो मिस्टिलिंग्स जो है उस ग्रुप को बोलते हैं, जिनमें जो है बैजर्स मतलब यानी कि वो सारे एनिमल्स आते हैं जिन जो कि एक तरह से रीच जैसे, मतलब कि बियर जैसे दिखने वाले होते हैं, जैसे बेजर हो गया, ठीक है, मॉन्ग्यूज हो गया मतलब नेवला हो गया, वीजल हो गया, ठीक है, और स्टॉर्ट हो गया, मिंक हो गया, कई सारे ऐसे और एनिमल्स इसमें छोटे से ग्रुप में एडिड हैं। सो आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलाइंस बट द अटर। तो फिर कहते मेरे को कई ऐसे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता जिसमें मेरे इस अटर को जो है उसके मेरी उसको स्पीशी के बारे में, उसके ग्रुप के बारे में मुझे जो है वो बताना पड़ता, बट क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्ट लाइन्स बट द अटर्स मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सील और एंड अ स्क्वल। तो सबसे ज़्यादा गैस क्या होता कि सील का बेबी है या फिर एक स्क्वल है, इज डैट वॉलरस मिस्टर। तो एक तो पूछता कि ये क्या कोई मछली ऐसा है कि वॉलरस है क्या कोई। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, मुझे इनकी, मैं थोड़ा इनकी गुस्सा भी सा भी मेरे को उस पर आता। एंड आउटसाइड अ डॉग आई शो आई हर्ड अ हिपो,
और कहते कि बाहर तो भी मैंने सुना कि किसी ने बोला ये तो हिप्पो है, अ वीवर, अ बियर कब, अ लैपर्ड, वन अपरेंटली डैट हैड चेंज इट्स स्पोर्ट्स एंड अ ब्रॉन्टोसर। तो फिर कहते कि कोई कहता हिप्पो है, कोई कहता कि ये वीवर है, तो फिर कोई भालू का बच्चा बोलता कि कोई इसको बोलता कि ये चीते का मतलब कि बियर कब है, ठीक है लैपर्ड है। तो फिर कहते कि इनकी ये ऐसा इनकी कोई भी इनकी ऐसे कहते कि एक तरह का ये ऐसा लेपर्ड है जो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बदलता रहता है। मिज वॉज एनी थिंग बट एन अटर, कहते कुछ भी है लेकिन ये एक अटर है। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। आई वॉज स्टिल फॉर फार फ्रॉम हिम वेन ही लेड डाउन हिज टूल। तो कहते सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहते अवार्डेड क्वेश्चन जो एक बंदे ने किया, लेबरर था, मजदूर था, जो मेरे घर के सामने गड्ढा खोद रहा था गली में, तो मैं अभी काफ़ी दूर था उससे और उसने अपने टूल्स जो हैं औजार वगैरह सब कुछ फेंक दिए। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने हाथ अपने हिप्स पर रखे, एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूरने लगा। एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन फॉर ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट Not that he was one, sorry, he was not one upon whom to play jokes. तो फिर वो जो है सरप्राइज, इनके अपने सारे औजार वगैरह उसने फेंक दिए, अपने जितने जो भी डिगिंग के उसके टूल्स थे, और फिर सरप्राइज होते हुए उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल हैरानी वाले थे, बहुत ही हैरानी से जो है वो यानी कि देख रहा था मेरे इस मिज को, और फिर जो है उसको यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई बिना मजाक किए जो है वो कोई बिना जोक किए जो है मेरे साथ जो है वो कुछ पूछना चाहता है। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, कहते मैं बिल्कुल उसके साथ जो है वो चला। ही स्पैट, उसने थूका, ग्लेयर्ड, और फिर घूर कर जो है मुझे देखा, एंड देन ग्रॉल्ड आउट, और फिर वो जोर से बोला, हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। तो कहते कि मिस्टर यहाँ जिसके बारे में कल्पना ही की जा रही है वह क्या है, मतलब कि वो बड़े ही अजीब से ढंग से जो है वो कुछ नहीं उसने बोला कि ये है कौन सा एनिमल। कहते जिसके बारे में सपोज कर रहा हूँ मैं, तो एक्चुअल में ये है क्या, क्योंकि जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ देख रहा हूँ ये तुमने कौन सा जानवर उठाया है। सो इस तरह से जो है कहते कि मैं बिल्कुल हैरान था, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा था, और मैं अपने मिज को बड़े ही अच्छे से पाल रहा था। सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर। So now we will read next lesson in our next video. Till then, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye-bye.